सभी को जय मसी की तो जब हम बाइबल को खोलते है परमेश्वर के मन की दुनिया में प्रवेश करके देखते हैं और परमेश्वर से हम अपना मन बांट पा रहे हैं कितनी धन्यवादी बात है तो से दूर जाकर हम कभी भी परमेश्वर के मन को नहीं जान सकते मेरे पास काफी सारी बाइबल है एक मेरे चर्च में रखी है एक मेरे ऑफिस में, रखी है।, मेरे में रखी है एक मेरे कमरे में भी रखी है तो एक जमाना था जब लोगों के लिए बाइबल को पाना बहुत मुश्किल था लेकिन ही बात है कि आजकल बाइबल महंगी नहीं है इसलिए मैं अपने पास बहुत सारी बाइबल रखता हूँ उन्हें पढ़ता हूँ उन्हें याद करता हूँ तो आज हम दूसरे राजाओं से वचन पढ़ेंगे दूसरे राजाओं साथ एक से लेके दस तक हम पढ़ेंगे मैं पढूंगा। 내일이맘 때에 사마리아 성문에 고운 가루 한서의한 세계라고 보리 두서의한 세계를 하리라 하셨느니라. 엘리사가 와 여호와 이론이 그때 한 장관 곧그 왕이 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람이 되다 하여 가로되 여호와께서 하늘의 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요 엘리사가 내가 내 눈으로 보리라 그러나 तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा सुन चाहे आकाश के, के खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी उसने कहा सुन तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा है, है, उरी है है, चार कोड़ी फाटक बाहर थे वे आपस में कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? 우리가 성에 들어가고자 할지라도 성지온 줄이니 우리가 거기서 죽을 것이요 여기 앉아 있어도 죽을지라 그런즉 우리가 가서 아람 군대에게 항복하자 제게 우리 살려두는 두는 살려내니와 죽이면 죽을 따름이라 하고 यदि हम कहे नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे इसलिए आओ हम आरम की सेना में पकड़े जाएं यदि वे हमको जलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है

क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे सुनो इसराइल के राजा नहती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें इसलिए वे साझ को उठ कर ऐसे भाग गए की अपने डेरे घोड़े गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाट अपना अपना प्राण लेकर भाग गए 문도이들이 진가에 이러자한 잠에 들어서 먹고 마시고 거기서 은과 금과 을 가지고 와서 감추고 다시 와 다른 잠에 들어가서 그기스도 가져와서 감추니라. 문도이나 손오마하제 우리 소이가 손치 못 하도다 काम नहीं है ये आनंद के समाचार का दिन है परंतु हम किसी को नहीं बताते जो हम पोफ तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला है तो तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। दस तक पढ़ा 어, uh, 우리의 성경은 하나님의 말씀입니다. 또 바이블 퍼미가 성경을 보면 성경 속에 하나님 마음이 자세히 들어있어니다 so, दिखाई देता है। तो अगर हम बाइबल का वचन अपने मन में स्वीकार करते हैं तो आप में से कोई भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर का मन पा सकते हैं और परमेश्वर मजबूती से ताकत से आपके अंदर काम कर सकते हैं तो बाइबल वो चीज़ विस्तार से हमें समझाती है 많은 기록이 우리들의 기록. 그리고 이스 많은 이 우리가 성경을 읽는 동안에 तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि उसमें जो परमेश्वर का काम हम पढ़ते हैं उसे हम परमेश्वर के काम के रूप में स्वीकार करें तो अगर हम अपनी सोच को उठा के फेंक और परमेश्वर के मन को अगर हम झोंका तो अपने मन में स्वीकार करें तो अद्भुत बात यह है की आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक हो जाएगा

इसलिए जब जब हम मुश्किलों का सामना करते हम विश्वास करते कि हमेशा हमारी मदद करता है इसराइल तो इसराइल और मतलब आराम के बीच में युद्ध हो गया तो आराम ने सच में पे हमला कर दिया का संग, आने तो, 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 तो इसराइल क्योंकि वे युद्ध का सामना नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने नगर का द्वार बंद कर दिया तो तो लेकिन जो आराम के सैनिक थे वो लोग दूर नहीं गए वो नगर के द्वार के बाहर कहीं मतलब इंतजार करते रहे इसलिए जो इसराइल के लोग थे वे नगर के बाहर नहीं जा पाए

वे नगर की जो दीवारें हैं, वे राजमहल के आसपास बनाते हैं को लेकिन कोरिया में मतलब पूरे नगर के आसपास दीवारें बनाई जाती हैं। हैं। इन चाइनीज़ लोग पूरे देश के आसपास दीवारें बनाते हैं। तो ये एक प्रकार से संस्कृति का अंतर है तो अगर चाइना के समान उन्होंने पूरे देश के आसपास दीवारें बनाई होती तो कोई समस्या नहीं थी वो बाहर जा सकते थे लेकिन उन्होंने सिर्फ नगर के आसपास मतलब जहाँ लोग रहते थे उसके आसपास दीवार बनाई हुई थी इसीलिए उनके खेत उस नगर के बाहर थे और क्योंकि मतलब आराम की सेना बाहर इंतजार कर रही थी इसलिए इसराइली लोग नगर से बाहर जाके खेती नहीं कर पा रहे थे तो ऐसा करते करते एक महीना दो महीना एक साल बीत गया तो नगर के अंदर मतलब जो भोजन वस्तु थी वो खटने लगी और बिल्कुल खत्म हो गई तो आज हमने अपने बच्चों को उबाल के खा रही है तो आजकल हम इन बातों को समझ नहीं सकते लेकिन कहते हैं की जब इंसान बहुत ज्यादा भूखा हो जाता है अपने बच्चों को भी पका के खा लेता है तो दूसरे शब्दों में ये, का नगर बिल्कुल बर्बादी की ओर था जब हम निराशा में होते हैं जब हम दुख में पीड़ा में होते हैं तो, तो हमारी मदद सिर्फ परमेश्वर की ओर से है तो, तो उस दौरान जब हम परमेश्वर तो तो हाना हाना के वचन को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन को पा सकेंगे जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं करेंगे तो इस वचन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो के नगर में सारी भोजन वस्तु खत्म हो गई। और मतलब लोग एक, एक करके भूख से मरना शुरू हो जाएंगे तो तब परमेश्वर के भक्त एलिशा ने क्या कहा सुनो आप लोग योवा का वचन सुनो राजस्व यो कहता है कल इसी समय शमरून के फाटक में साबर मैदा एक शकेल में और दो सौ जॉब भी एक शकेल में बिकेगा ये? क्या कौन कारों से एक हंसे कील पाके आनंदा गया साबर मैदा एक शकेल में बिकेगा दो साथ जो एक शकेल में बिकेगा इतना भोजन वस्तु सस्ती हो जाएगी ये क्या सपना है काश ऐसा हो जाए

लोगों ने जब ये बात सुनी उनके मन में आशा उत्पन्न हुई कि हाँ कल मतलब खाना इतना सस्ता हो जाएगा कितनी खुशी की बात है ऐसा कैसे हो पाएगा अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा अब हमें मरने की जरूरत नहीं है तो उन्होंने अपने मन में आशा रखी लेकिन जो राजा का सरदार था तो वो हंसने लगा क्या मतलब बनता है इरन आकाश के जरा, जरोके भी खोल देगा, तो भी कैसा हो पाएगा तो, तो यहाँ बताना चाहती है जो सोच हम मूल रूप से रखते हैं। है क्योंकि शैतान जो आकाश के अधिकार का हाकिम है वो हमेशा हमारे मन को प्रभावित करता है हमारे मन को परमेश्वर के वचन से दूर 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 लेके जाने के लिए मतलब वो काम करता है इसलिए हमारा मन परमेश्वर के वचन से अलग है लेकिन हमसे चाहे हम कोई भी क्यों ना हो आप लोग बाइबल को पढ़िए उत्पत्ति से शुरू कीजिए और निर्गमन ले व्यवस्था व्यवस्था विवरण पढ़ते जाइए तो इन बहुत सारे वचनों में से तो मेरी नजरों में मुझे कैसा भी लगे ये परमेश्वर का वचन है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता ऐसा होगा तो अगर हम विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रूप से काम करेगा तो उन्होंने बहुत बार ऐसी बात कही है तो एक बार आई वाई uh, हमारी संस्था है हमने विदेश में लोगों को बच्चों को वॉल्टियर काम करने के लिए भेजा था तो, तो अमेरिका डैलस से एक स्टूडेंट था जिसका नाम जॉन चोई था ज़िए। 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 तो वो एक वॉल्टियर बन के अफ्रीका गया था तो वे लाइबेरिया गया था तो वहाँ जाके एक दिन वो रात को सो रहा था खिड़की खुली हुई थी और वे मतलब मच्छरदानी के अंदर सो रहा था मोगी पारे पारे सो से। और तभी एक बिच्छू ने आके उसके पैर पे काट लिया तो आगा। तो आगा वो एकदम से उठ गया ये क्या था तो तो लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था अरे ये क्या था वो फिर से सो गया तो सुबह जब वो उठा तो दोस्तों को बताने लगा कि कल रात को जब मैं सो रहा था मुझे ऐसा लगा किसी ने जोर से मतलब मेरे पैर पे सुई चुभाई अरे भाई कहीं वो बिच्छू तो नहीं था जी अरे मजाक मत करो बिच्छू कहाँ से आएगा हमारे कमरे में और उसके बाद जब करीबन दोपहर हुई वो तो इस स्टूडेंट को पेट में कुछ अजीब सा लगा और वो बाथरूम जा रहा था लेकिन बाथरूम जाते जाते वो रस्ते में बेहोश हो गया तो बेहोश होकर नीचे गिर गया और बाकी ने चबाके देखा तो मतलब उसकी उस, उसकी पॉटी पेशाब सब पैंट में निकल गया था वो गया। और वो बिल्कुल मरने की हालत में दिखाई दे रहा था तो फटाफट से उसे उठाकर उन्होंने साफ किया और उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने क्या कहा तेरे वासे हो। इसको ले जाइए ये मर चुका है तुम तो तो मदद कीजिए इसका अब कुछ नहीं हो पाएगा तो तो इसको बिच्छू बिच्छू ने काटा है तो से काटने के बाद अगर आप तभी के तभी अस्पताल आते तो भी इसको बचाना मुश्किल होता लेकिन अब आप इतनी लेट आए हैं कि जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया है जहर इसके दिल तक चला गया है ये मर जाएगा आप इसे ले जाइए तो उनको बाहर निकाल दिया मदद कीजिए तो, तो एक और हॉस्पिटल में गए वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया तो वे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल गए अंत में एक हॉस्पिटल में उनको लिया और उन्होंने मतलब उसको बिस्तर पे लिटाया और उसकी सांस रुक गई तो बिल्कुल उसकी सांस रुक गई तो डॉक्टर लोग आए और उन्होंने मतलब एक एक करके उसको सी तब मतलब दिया जो पल्स है वो लौट के आ गई लेकिन वो मरने की हालत में था डॉक्टर लोगों ने बोला कि इसका अब कोई मतलब आशा नहीं है तो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर था उसने मुझे फोन किया

तो और सच में बहुत बड़ी समस्या थी वो मरने वाला था तो सोल से लाइबेरिया तक एक प्लेन में अगर आप जाओगे तो अठारह घंटे लगेंगे लेकिन उसके बारे में कह रहे थे कि, कि वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा में मैं क्या उसके लिए कर सकता हूँ क्या मैं किसी डॉक्टर को भेज सकता हूँ क्या मैं कोई दवाई भेज सकता हूँ तो मेरे मन में बाइबल का एक वचन याद आया चालीस का इकतीसान परंतु जो युवा की जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे वे के समान उड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे चलेंगे और थकित न होंगे तो एकदम से ये वचन मुझे मेरे मन में याद आया तो मैंने कहा 내가 요한에게 통화 좀할수 있는가? 요한 씨와 할수있 예, 모사님. 스요한모사님이야 요한, 스 요한은 내 목소리 들려. 가 요한, 당내말 듣고 있 모사님. 하, 지파스 아프리카산 정갈에 쏘였대 그아프리카에는 지금 죽어가고 있어. 나는 오늘 아침에 성경 읽었는데. 이사야 40장 31절을 읽었어. 이사야 장3절을 읽었어. 요

होंगे चलेंगे 66 किताबें सब परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता तो तुझे बिच्छू के जहर पे जीतने के लिए नए बल की जरूरत है तो तू परमेश्वर की बाहर जो परमेश्वर की ओर देख परमेश्वर में निर्भर कर परमेश्वर ने वादा किया है कि जो युवा की बात जोता जो है वो नया बल प्राप्त करता है तो दोस्तों बाइबल की छियासठ किताबें परमेश्वर का वचन है तो हम मनुष्य को ये वो बोलने की जरूरत नहीं है इसके सामने जब हम इस वचन को स्वीकार करते हैं तो, तो अगर हम ये की बाहर जोते हैं उसके बल का इंतजार करते हैं, उसकी मदद मांगते हैं तो परमेश्वर हमें नया बल देता है योहान, अगर तुम्हें बिच्छू के जहर पे जीतना है तो तुम्हें नए बल की जरूरत है लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता ये परमेश्वर का वचन है तो तुम परमेश्वर पर का इंतजार करो उसकी बात जो विश्वास करो इंतजार करो परमेश्वर जरूर तुझे नया बल देगा तो मैंने पंद्रह मिनट उसे बात की और अपनी बात खत्म की मैंने हाँ जी पास्टर कृपा जी ने नाराज ना कन्नदा तो जल्दी उठ जाना मैं फोन रख रहा हूँ तो तब मैंने फोन रख दिया और उसके बाद मैंने डायलस में फोन किया में तो डायलस के पास्टर को फोन किया तो मैंने कहा कि भाई बहन लोग सब इकट्ठा हो जाइए और छह योहान के लिए प्रार्थना कीजिए और इनके मम्मी पापा को बता दीजिए कि इनको बिच्छू ने काट लिया है तो सोच रहा था कि बस वो थोड़ी देर में मर जाएगा। लेकिन कहता है कि जो युवा की प्रभु की ओर तो देखना प्रभु से भागना शुरू किया हाँ प्रभु मैं तेरी बात जोता हूँ मुझे नया बल दीजिए और उसके बाद सच में वो सो गया

तो उसने सोचा कि अरे वो कल जो स्टूडेंट आया था जिसको था, वो अब तक ने काटा होगा उसकी बॉडी जाके संभालती हूँ तो वह वहाँ गई तो लेकिन वहाँ पहुँच के वो हैरान हो गई तो उसने देखा कि उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है तो उस रात ये जवान स्टूडेंट तो उसका जो शरीर का तापमान था वो सत्रह डिग्री तक नीचे गिर गया था वो लगभग एक लाश के बराबर था तो अब लगभग टाइम हो गया था कि वो मर जाए लेकिन उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था तो ये नर्स हैरान हो गई को तो, तो उस वार्ड में जो हो रहे थे उसने फटाफट जाके डॉक्टर को उठाया डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब देखिए चमत्कार हो गया तो वो आया और उसने देखा कि ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है उसने कहा कि नर्स तूने क्या किया है ऐसा कैसे हो गया मैंने तो कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब और अगले दिन यूहान उठ गया भाई तो ठीक है हाँ मैं ठीक हूँ भाई तुझे तो पता कल तूने क्या किया था तो तूने पैन में पॉटी बिशप कर दिया था मैंने साफ किया था तुझे और तुझे हॉस्पिटल लेके आया था हाँ मैं ठीक हूँ तो ये उसके पैर का चित्र है जहाँ पे मतलब ने काटा था। तो बहुत बुरी तरीके से सड़ना शुरू हो गया था लेकिन दो महीने उसका इलाज हुआ तो वो ठीक हो गया तो अद्भुत बात क्या है उसका पैर देखिए बिल्कुल ठीक हो गया तो अब उसकी शादी हो गई है और वह तीन बच्चों का पाप है तो वो कितनी खुशी से अपना जीवन जी रहा है तो जितना ज्यादा हम इस बारे में सोचते हैं हम कितने धन्यवादी हैं Hananimal. तो हमें यहुवा की ओर देखना है। मा... तो परमेश्वर ने जो वचन हमें बाइबल में बताए हैं, उसमें विश्... मन से विश्वास करना है परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है बातें नहीं बोलता है तो जो परमेश्वर वादा हमें देता है वे अपना वादा पूरा करता है तो अपने मन में जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और विश्वास अगर आप उसको स्वीकार करते हैं 그대로 역사가 तो परमेश्वर का वचन आपके मन में जिंदा रहेगा और काम करेगा तो केवल छुवान के मामले में मैंने बहुत तरीके से अनुभव किया कि परमेश्वर ने कैसे काम किया तो मैंने खुद परमेश्वर के बहुत से कामों को अनुभव किया है और अपने आस पास के लोगों में भी मैंने कितनी बाहर जगह परमेश्वर अद्भुत रूप से काम किया है बाइबल में क्या कहती है बाइबल बताती है कि जो योगा की बात जोतता बने अबल प्राप्त करता है तो बाइबल केवल यही नहीं कहती कि जो युवा की बात जोतता है वो नया बल प्राप्त करता है उसके अलावा भी बाइबल में बहुत सारे वचन हैं आप लोग जब-जब उन वचनों पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का काम उत्पन्न होगा लेकिन दुख की बात क्या है लोग शैतान से धोखा खाते हैं। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है तो वे परमेश्वर के वचन का न्याय करते हैं इसीलिए समस्या होती है तो दोस्तों जब हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पढ़ना है और सुनना है अगर हम उस वचन में विश्वास करें तो वचन के अनुसार परमेश्वर काम किए बिना नहीं रह सकता तो बहुत सी ऐसी बातें हैं तो आज जो हमने दूसरे राजाओं साथ में पड़ा तो शम्रोन नगर क्योंकि आरम की सेना के द्वारा घिरा हुआ था और वो लोग खेती नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए नगर के अंदर भोजन वस्तु खत्म हो गई थी वो भूखे मर रहे थे तो औरतें अपने बच्चों तक को उबाल के खा रही थी तो ये हालात थे कि वे चूहे को भी पकड़ के खाने के लिए तैयार थे तो परमेश्वर हमेशा हमें आशा देता है तो एक बार परमेश्वर का सेवक एलिशा चिल्ला चिल्ला के कहता है, का वचन यो कहता है कल इसी समय पेहानून के फाटक में साबर मैदा एक शकेल में और दो सो जौ भी एक शकेल में बिकेगा क्या? एक साबर मैदा और दो सौ जौ कितने का है तो मतलब अभी कितने का है वो नहीं लिखा हुआ

न्याय के अनुसार नहीं मनुष्य के न्याय के अनुसार ऐसी बात कही तो अगर मनुष्य ने ऐसा कहा होता तो शायद ऐसा होता है ना होता लेकिन परमेश्वर का वचन अगर ऐसा कह रहा है तो क्यों उसने उसका न्याय किया क्योंकि जरूर होने ही वाला था तो ये सरदार राजा का सरदार क्या बोलता है सुन चाहे ये वह आकाश के झरोके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी तो जो तो परमेश्वर क्यों ये नहीं कर सकता तो सरदार बोलता है चाहे ये हुआ आकाश के झरों के खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी तो एलिशा उसे क्या कहता है सुन तू तो ये अपनी आंखों से तो देखेगा तो परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा और ऐसा हुआ? और उसके बाद परमिशन ने कैसे काम किया? तो हम बाइबल को थोड़ा सा और पढ़ेंगे। What? तो यहाँ जब हम बाइबल में देखते हैं, तीन में, चार कोड़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। तो चार कोड़ी मतलब फाटक के बैठे थे थे तो ये जो कोड़ी थे, पहले एक मतलब कोड़ियों की जगह थी और उनके परिवार जनों ने आके खाना देते होंगे और वो वो खाते होंगे लेकिन अब क्योंकि अकाल पड़ गया मतलब वहाँ पे खाने को कुछ था नहीं इसलिए चाहे वो के रहने की जगह पे रह रहे थे लेकिन वहाँ पे कोई उनको खाना लेके नहीं दे रहा था इसलिए वो एक एक एक-एक कदम एक -एक कदम आगे बढ़ाते। आगे बढ़ाते बढ़ते गए और नगर के फाटक तक पहुँच गए लेकिन द्वार पे ताला लगा हुआ था इसलिए वो अंदर नहीं जा सके और वो बैठ के इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारे रिश्तेदार आएंगे और हमें खाने को कुछ देंगे तो इंतजार करना तो अच्छा था

लेकिन एक कोड़ी ने क्या कहा तो अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे कौन हमें खाना ला के देगा तो हम क्यों यहाँ बैठ के मरने का इंतजार कर रहे हैं तो अब तक ये मतलब स्पष्ट तरीके से बस बैठे थे और इंतजार कर रहे थे लेकिन परमेश्वर ने इन को बुद्धि तो उनको पता मतलब चल तो गया की यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है नगर के अंदर लोग मर रहे हैं कौन वे आके खाना देगा तो अगर हम नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे क्यूँकी वहाँ काल पड़ा है और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मरी जाएंगे इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है तो चलो हम चलते हैं और वहाँ पे हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर ने इनके मन में बुद्धि ऐसी सोच रख सके। तो ये चार कोड़ी क्योंकि गर्मियों के दिन थे वो दिन में नहीं गए जब रात को अंधेरा हो गया आराम 갔어요. तब तो ये लोग मतलब चलने लगे तो इतने भूखे थे कि चल भी नहीं पा रहे थे चलते चलते खिर रहे थे चलते चलते लुढ़क रहे थे ना 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 अरे, अरे मुझसे नहीं चला जाएगा के जाने क्या बात करो हम सब साथ जाएंगे तुम हिम्मत रखो साथ जाएंगे तो ऐसे गिरते गिरते पटकते पटकते वो लोग आराम की छावनी में गए और अंधकार था वो गए लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार काम किया तो जैसे ये कोड़ी लटकते पटकते वहाँ तक जा रहे थे तो आरम की सेना को एक आवाज सुनाई दी घोड़े तो मतलब मतलब भाग रहे हैं, मतलब, मतलब सिपाहियों की आवाज ऐसी बड़ी सी आवाज सुनाई थी अरे अरे ये क्या हो गया ये क्या हो गया था कहा लगता है की इसराइल के राजा ने हिती और मिश्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है और हम पे चढ़ाई की है

और ये कोड़ी मतलब गिरते गिरते आराम की शव में पहुँचे हमें मत मारिए। हम आत्मस्मर्पण करने आए हैं। हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, हमें मत मारिए तो, कोई नहीं था तो उन्होंने एक टेंट खोला और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि चूल्हे के ऊपर इतना स्वाद खाना पक रहा है चलो सबसे पहले खाना खाते है बाद में जो होगा सो होगा देख लेंगे तो कोई नहीं है, तो है। कोई नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं था और उन लोगों ने पेट भर के खाना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने सोना उठा के छिपाया चांदी उठा के छिपाई तो फिर एक कोड़ी ने क्या कहा अरे जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं है ये आनंद के समाचार का दिन है पर हम किसी को अगर नहीं बताते तो एक गलत है हमें जाकर जल्दी से नगर में जाके बात बतानी है तो दोस्तों सच में जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रूप से मेरे जीवन में काम किए हैं 1968 में मैं फौज से छूटा था ज़े, ज़े तो फौज से छूटने के बाद मैं इंचन में जाके सुषमाचार प्रचार करना चाहता था और मैं इंचन जाके प्रचार करने की तैयारी कर रहा था तो उस जमाने में मेरी जेब में करीबन दो सौ होंगे तो मैं क्योंकि फौज में था मुझे मतलब चीजों की कीमत कितनी है वो नहीं पता था और मैंने सच में एक ट्रेन पकड़ी और मैं किमचन आ गया। और मैंने जाके एक कमरा देखा तो वो मतलब हमारे रहने के लिए काफी अच्छा कमरा था मैंने पूछा कि कितने का है तो उन्होंने कहा कि पांच हजार रूपए देने पड़ेंगे तो मेरे पास जो पैसे थे वो शायद उस पैसे से बीस गुना कम थे तो अभी भी मुझे अच्छे से याद है और उस दिन मैं किमचन की सड़कों पर चल रहा था और मैं परमेश्वर को कह रहा था परमेश्वर देखो वहाँ पे एक कॉफी की दुकान है परमेश्वर वहाँ पे एक टेलर की दुकान है परमेश्वर वहाँ पे किताबों की दुकान भी है परमेश्वर सच में दुनिया के देवता भी लोग अपने लोगों को सच में रहने के लिए जगह देते हैं ज, उनकी बिल्डिंग देते हैं। मैं परमेश्वर का जन हूँ परमेश्वर मुझे भी एक जगह दीजिए मैंने प्रार्थना की और ऐसा करके मैंने आसपास देखा और फिर से दुंग में चला गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होता था मैं विश्वास करके मैं इधर उधर घर ढूंढता था 근데 어느 날 타고 이제 김천에서 고창으로 가고 근데 एक दिन एक बस में मैं 김천 से कोचांग जा रहा था 제 옆에 영국인 선교사가 타서 또 मेरी सीट के साथ वाली सीट में एक मिशनरी बैठे थे मैंने पूछा आप कहां से आए हैं तो 영국 스왓터 너ने बोला कि मैं इंग्लैंड से आया हूं तो मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं मिशनरी हूँ मैंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है अभी आप कहाँ जा रहे हैं मैं घूमने जा रहा हूँ आप प्रचार यात्रा पे जा रहे हैं नहीं बस मैं ऐसे घूमने जा रहा हूँ तो मैं गुस्से हो गया

तो वो और मैं अपुगदों के गहरे मतलब पहाड़ों के अंदर आए वहाँ पे ना तो कोई पानी का टैप था हम बस एक झरने का पानी पीते थे और वो झरने का पानी बहुत साफ था हमारे पेट में पे कोई समस्या नहीं होती थी लेकिन जब मिशनरी ने वो पानी पिया तो मुझे लगता है कि कोरियन का पेट मजबूत होता है फिर थरी रहा भमसा तो वो पानी पीके उनको मतलब दस लग गए वो पूरी रात बाथरूम आना जाना कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा मुझे सच में बहुत बुरा लगा तो चार दिन बस वो हमारे घर बिस्तर पे पड़े हुए थे तो चार दिन मतलब ऐसे ही पड़े रहे चौथे दिन ये सुबह उठ गए और बोलने लगे कि आज मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मिशनरी साहब मैं सच में माफी चाहता हूँ तो अगली बार आप आएंगे तो मैं मतलब मैं उबला हुआ पानी उनको देने लगा तो मैंने कहा कि अब दोबारा आपको कभी ऐसा पानी नहीं पिलाऊंगा तो उन्होंने बोला कि मिस्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने कहा हाँ जी बताइए तो बोले लगे मैं आपके साथ एक साल रहना चाहता हूँ तो मैं बड़ा हैरान हो क्या आप क्यों मेरे साथ रहना चाहते हैं? बस मैं एक साल आपके साथ रहना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे क्या कहा तो मैं आज तक बहुत पास्टर्स को मिला हूँ बहुत मिशनरीज को भी मिला हूँ लेकिन आपके समान जीने वाला व्यक्ति मुझे पहली बार मिला है मैं सच में आपके साथ रह के आपका जीवन सीखना चाहता हूँ तो मैं हंसने लगा

मैं सचमुच में बहुत बार भूखा रहता था लेकिन मैंने कहा कि आप तो मिशनरी हैं आपको मिशन फी मिलती होगी और आपके घर में अगर बहुत रोटी होगी और मेरे पास नहीं होगी तो हो सकता है कि मैं आपकी रोटी और देखूं और मुझे डर लगता है कि आप मुझे अपनी रोटी देने की कोशिश करेंगे मैं सिर्फ सब कुछ परमिशन से पाना चाहता हूं तो चाहे मैं भूखा मर भी जाऊं आप अपनी रोटी मुझे मत दीजिए और आप कितनी मुश्किल में हो मैं आपको मतलब रोटी नहीं दूंगा हम इस प्रकार से अगर जी सकते तो ठीक है तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप किमचन में घर ढूंढिए और 10 दिन के बाद फिर से आए पाक। मिस्टर पार्क मैं बहुत धन्यवाद मैं किमचन के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे पैसे दिए कि हम वहाँ पे घर ले सके तो इंसानी तरीके से सच में मेरा कोई नजदीकी नहीं था जो मेरी मदद कर सके जो दुम दुम लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ जरूरत के समय पे मेरी सब को पूरा किया है। तो उन, उन दिनों में चाहे मैं मुश्किलों से जी रहा था और मैं गरीब भी था यो जो चुल मानी की ते तो इन दिनों क्योंकि मैं किताबें लिखता हूं और मेरी किताबें बिकती है इसलिए अपना गुजारा करने में मुझे ऐसी कोई खास तकलीफ आज नहीं है लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार मेरे जीवन में जिंदा रहकर काम किया है वो बहुत अद्भुत है अगर मैं पूरी रात भी आपको वो बातें बताता रहूं तो मैं नहीं बता पाऊंगा सच में परमेश्वर जिंदा था और काम कर रहा था और सबसे जरूरी बात ये है कि उसने मेरे पाप क्षमा किए ईशुसी के लहू के द्वारा क्रूज के ऊपर तो परमेश्वर ने परमेश्वर ने इसराइल के लोगों से क्या कहा शम्रोन के नगर में रहने वाले लोगों से परमिशन ने क्या वचन सुनो नहीं मानते यहाँ ऐसी यूँ कहता है कल इसी समय फाटक में सावर मैदा एक शकेल में और दो साल जॉब भी एक शकेल में बिकेगा तब राजा के सरदार ने क्या जवाब दिया

परमेश्वर वादे के अनुसार कल इसी समय पर परमेश्वर ने सच में अमरोन में साबर मैदा एक शकेल में और दो भी एक शकेल में बिखने दिया आगा। आगा। तो हमें नहीं पता कि उससे पहले साबर मैदा समारिया में कितने का रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा सस्ता होने वाला था तो मुझे नहीं पता वो कितने का था से। और फिर राजा के सरदार ने क्या बोला चाहे ये वो तो आकाश के झरोके खोले तो अभी क्या ऐसी बात हो सकेगी ये तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है नीमर, नीमर तो उसने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझा था 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 था। तो, तो मनुष्य के लिए चाहे ये असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए क्या असंभव है परमेश्वर बहुत ऐसा कर सकता है तो क्यों हम आज ये बाइबल के वचन को पढ़ रहे हैं तो मान लो इस सरदार ने परमेश्वर के वचन को सुना। तो परमेश्वर के ने बोला कि योवा का वचन सुनो योवा यो कहता है कल इसी समय के फाटक में साबर मैदा एक शकेल में और दो शकल में बिकेगा तो ये परमेश्वर का वचन था मनुष्य का वचन नहीं था इसीलिए ऐसा हुए बिना नहीं सकता था लेकिन इस सरदार ने जैसे सुना। इसलिए तो उसकी सोच के हिसाब से, से, से ऐसा नहीं हो सकता कल इसी समय सम के फाटक में सावर, मैदा एक शकेल में सावर जाओ एक शक्ल में नहीं बिक सकता इसीलिए सरदार क्या जवाब देता है चाहे ये हुआ आकाश के चरोके क्यों ना खोल दे क्या ऐसी बात हो पाएगी हर इंसान है मारे लेकिन परमेश्वर का जन तब क्या बोलता है, बोलता है। कि तू अपनी आंखों से तो इसको देखेगा लेकिन तू उसमें से खाने ना पाएगा तो दूसरा राजाओं साथ की इस कहानी के समान तो आज हमारे आत्मिक जीवन की समस्या यही है तो सेम परिस्थिति के सामने इंगाना को हाना तो इंसान कैसा सोचता है और परमेश्वर कैसा सोचता है वो बिल्कुल अलग है तो जब हमारे पास ऐसे नहीं होते हम कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास खाना नहीं होता तो नहीं है तो ना, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो की बहुतायत में भोजन वस्तु तैयार कर सकता है की सब लोग खा सके और बच सके परमेश्वर हमारे समान गरीब नहीं है तो परमेश्वर कोई गरीब विधवा या कोई बेचारा इंसान नहीं है परमेश्वर इंसान नहीं है और अगर परमेश्वर ऐसा कहता है, है तो हमारी नजरों में कितना भी असंभव क्यों ना हो वो हो जाएगा क्यों क्योंकि वो परमेश्वर है परमेश्वर कर सकता है हम नहीं कर सकते इसलिए हमें अपने न्याय के हिसाब से परमेश्वर को नहीं देखना है तो हम नहीं कर सकते लेकिन अगर परमेश्वर करना चाहे तो वो कर सकता है हम जब ऐसा न्याय रखते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर जीवित रहता है और काम करता है अब मैं ये बात यहाँ तक करूंगा और यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे काम किया ये सुन गए मोरा तो बाइबल में क्या लिखा है तो तीन में चार कोड़ी फाटक के बाहर थे वे आपस में कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? तो यहाँ क्या हो रहा है परमेश्वर ने मुंधुआ ये कोड़ी लोग जब आपस में बात कर रहे थे परमेश्वर क्या कर रहा है कल इसी समय पर के फाटक पे गैर साहब और महदा एक शकेल में और दो साह जो भी एक शकेल में बिकेगा परमेश्वर ये काम अभी कर रहा है ये चार कोड़ी क्या कर लेंगे तो खुद भूखे मर रहे हैं लेकिन ये चार में क्या बात करते हैं अरे अगर हम यही बैठे रहे तो हमें मर जाना है और मान लो अगर हम नगर में जाते भी तो वहाँ पे भी तो लोग भूखे हैं वहाँ पे भी हम मर जाएंगे जब नगर में खाना ही नहीं है तो कौन हमें खाना देगा तो हम ऐसे बैठ के इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ बैठे बैठे तो हम मर ही जाएंगे तो चल हम क्या करते हैं हम चल हम आराम की सेना के पास जाते हैं और वहाँ आत्मसमर्पण कर देते हैं उनके पास खाने को बहुत कुछ है तो अगर वो हमें मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे अगर वो हमें जिंदा रखेंगे तो हम बच जाएंगे तो कम से कम हम खाने की शक्ल तो देखेंगे तो ये बुद्धि परमेश्वर ने चार कोरियों के मन में डाल दी तो अद्भुत बात क्या है

नहीं 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 तो परमेश्वर वो आयत से कल इसी समय पे साबर मैदा और दोसा जो एक शक्ल में बिकने दे सकता है ये परमेश्वर में और हम में अंतर है इंसान के लिए संभव है परमेश्वर के लिए संभव है परमेश्वर ने ऐसा कहा है योवा का वचन सुनो कल इसी समय पर समरोन के फाटक में साबर और मैदा और दो साथ जो भी एक शक्ल में पकेगा तो परमेश्वर कहता है कि कल इसी समय पे साबर मैदा एक शकेल में, इसे हंसे में। दो सौ जो भी एक शकेल में बिकेगा ये परमेश्वर का वादा है उसमें। इसलिए ऐसा हुए बिना नहीं रह सकता परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा होगा चागी चागी लेकिन जब वो सरदार अपनी परिस्थिति के हिसाब से देख रहा था दे। तो ऐसा कैसे हो सकता इतनी है इतनी भूखी हालात हैं, तो आरम के मतलब सैनिक बाहर बैठे हुए हैं कहाँ से इतना खाना आएगा जाएगा कहाँ से इतनी भोजन वस्तु आएगी कि सरा भर मैदा एक शकेल में बिकेगा ऐसा असंभव है ऐसा नहीं हो सकता चाहे आकाश के आरा झरोके क्यों ना खोल दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता तो, तो सरदार के शब्द तो परमेश्वर के वचन से जो आशा उत्पन्न हो रही थी उसको मारने के काम कर रहे थे तब तो परमेश्वर भक्त क्या कहता है कि तू अपनी आंखों से तो देखेगा पर उनमें से खाने नहीं पाएगा तो अब हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर को सीख रहे हैं तो जब हम को सीखते हैं, तो आप केवल उन बातों पे विश्वास मत कीजिए जो संभव है तो जो चीजें आपको असंभव लगती हैं, परमेश्वर उनको कर सकता है जब आप सच्चाई पे विश्वास करेंगे तो आप आशीष पाएंगे तो मैं लंबे टाइम मतलब चर्च जाता था लेकिन मैं पर विश्वास नहीं कर सका तो मैं मतलब अच्छे काम करने की कोशिश करता था परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करता था तो जो संभव बातें थी उन पर विश्वास करता था लेकिन असंभव बातों पर विश्वास नहीं करता था और इस मामले में 왕의 장관이 말 여호와께서 창을 어찌 그런 일이 तो यहाँ राजा का सरदार बोलता है कि चाहे की चाहे ये आकाश के चरोके खोले तो अभी कैसी बात हो सकेगी कहां से खाना आएगा 군인들 우리 तो आराम की सेना अभी बाहर बैठी हुई है कहां से इतना खाना आएगा कहां से ऐसा ऐसा खाना आ जाएगा की साबर मैदा एक शक्ल में बिकेगा 200 जो एक शक्ल में बिकेगा ऐसा नहीं हो सकता हमारी नजरों में संभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है जो लोग परमेश्वर करते हैं तो चाहे अभी असंभव लग रहा है। ऐसा कहा है, तो ये हो जाएगा जा रोमा जा तो रोमियो तीन के तेईस में छेगा क्यूँकी सब अपने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहे थे खुश हो रहा जाते हैं परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो ईशु में है उसके अनुग्रह से धर धर्मी ठहराए जाते हैं यू की तो यहाँ मैं और राजा का सरदार थोड़े मिलते जुलते थे तो परमिश्वर ने कहा था कि कल इसी समय सावर मैदा एक शक्ल में सावर दो सौ जाओ भी एक शक्ल में बिकेगा गा। लेकिन इंसानी नजरिए से देखे देखा जाए तो यह असंभव है ऐसा हो ही नहीं सकता तो कहाँ से ऐसा हो सकता है सावर मैदा एक शक्ल में दो सौ एक शकेल में ऐसा कैसे हो सकता है

परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो शीशु में हैं। है धर्मी जाते तो परमेश्वर अगर कहता है कि वे हमें से, सेन में धर्मी ठहराता तो है से, सेन में धर्मी इसका मतलब सेन में धर्मी ठहराए गए हैं लेकिन मैंने राजा के सरदार के समान मैं सोचा था मैंने चोरी की मैंने झूठ बोला मैंने इतने सारे पाप किए तो चाहे यीशु क्रूस पे मर गया लेकिन मैं तो पापी हूँ तो मैं भी ऐसी सोच रखता था लोग ऐसी सोच रखते हैं तो मैं भी सोचता था कि मैं पापी हूँ लेकिन एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था रोमियो तीन के चौबीस में रोमियो तीन के तेईस में इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर के मेहमान से रहते हैं हाँ सही है मैंने पाप किया है लेकिन चौबीस में तो तेईस में साफ लिखा है की हम पापी है लेकिन चौबीस में मृत्यु के द्वारा क्योंकि उसने हमारे पापा की हिम्मत चुका दी उसने हमें धर्मी बना दिया हमें पवित्र बना दिया तो हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए परमेश्वर हमें धर्मी कहता है तो सब लोगों ने पाप किया है लेकिन परमेश्वर ने धर्मी कहा है परमेश्वर ने पवित्र कहा है परमेश्वर ने कहा है कि हमारे पाप धुल गए हैं तो इस प्रकार से हमें विश्वास करना है लेकिन हम राजा के सरदार के समान अपनी परिस्थिति में विश्वास करते हैं ऐसा से से तो से से कैसे हो सकता है कल इसी समय पर शक्ल में कैसे बिकेगा ये तो असंभव बात है परमेश्वर आकाश के झरोखे भी क्यों ना खोल दे तो भी ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता ये असंभव है तो हम ऐसे थे मैं भी ऐसा था सब लोग ऐसे थे लेकिन एक दिन मैं रोज और प्रार्थना करता था पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करता था लेकिन एक दिन रोमियो तीन का चौबीस पढ़ा तो तेईस में साफ लिखा है कि हाँ सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहे थे तो साफ लिखा है कि हमने पाप किया हम पापी है लेकिन परमेश्वर सच में हमें धर्मी कहता है सेम बात है। तो ज़रूर हमने पाप किया हम पापी लेकिन परमेश्वर धर्मी कहता है तो जरूर मतलब खाने को नहीं है लेकिन कल इसी समय पे साबर मैदा दोसा जो भी एक शक्ल में बिकेगा तो जरूरी बात है कि ये बोलने वाला कौन है क्या कोई पास्टर ऐसा बोल रहा है क्या कोई एल्डर ऐसा बोल रहा है क्या कोई डीकन ऐसा बोल रहा है ऐसा नहीं है नुगुन्या? कौन है तो परमेश्वर है क्या परमेश्वर अगर परमेश्वर ऐसा कहा है तो कल सावर मैदा और दूसरा जो भी एक शक्ल में पिकेगा तो परमेश्वर अगर ऐसा कहा है तो मैंने कोई भी पाप क्यों ना किया हो? तो परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ मनुष्य नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता अगर वो मुझे धर्मी कहता है तो चाहे मैंने कोई पाप क्यों ना किया हो मैं धर्मी हूँ ये परमेश्वर मुझे विश्वास करना है अगर हम अपनी सोच में विश्वास करेंगे तो मैंने इतने पाप किए मैं कैसे अपने आप को धर्मी बोल सकता हूँ? हाँ ऐसा नहीं हो सकता तो सुनने की भी जरूरत नहीं है हाँ। मैं पापी हूँ। तो मैंने जब पापों की क्षमा कर ऐसा जन्म पाने का एक किताब लिखी थी तो मेरे एक विरोधी ने एक कुछ लेख लिखा वो बोल रहा था कि मैं मरने तक इस बात का ऐलान करता रहूंगा कि मैं पापी हूँ तो ये मेरी नजरों में कल इस समय पे सावर मैदा दो और एक शक्ल में असंभव नहीं हो सकता ये उसकी सोच है हमारी नजरों में ऐसा है लेकिन परमेश्वर परमेश्वर अगर कहता है कि सावर एक में, दो शक्ल में बिकेगा तो वो सच है परमेश्वर सही है तो बिल्कुल उसी तरीके से हम चाहे गंदे पापी हैं अगर परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ परमेश्वर ने अगर कहा है तो वो सही है में में इसलिए परंतु उसके अनुसुटकार उस के द्वारा जो मसीशु में है में धर्मी जाते हैं। तो जितना ज्यादा को पढ़ते हैं तो ईशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पाप धुल गए हमारे पाप पवित्र हो गए और हम धर्मी ठहराए गए युक्षिं 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 तो पूरी बाइबल की छियासठ किताबों में ऐसे वचन बहुत जगह लिखे हुए हैं या यशाय चौवालिस के बाईस में तो मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है मेरी ओर फिर लौट आ क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है परमेश्वर कहता है मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है मेरे पापा को बादल के समान मिटा दिया है मैंने उसे मिटा दिया है सिर्फ मेरी और फिर लौट आशु मसीह ऐसे हमें बता रहा है तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे पाप धुल गए हैं तो धुल गए हैं तो मैं अपनी सोच से बढ़कर परमेश्वर विश्वास करता हूं तो, तो मैं अपनी सोच पे विश्वास भी करता हूं लेकिन मैं वचन पे भी विश्वास करता हूं लेकिन अपनी सोच से बढ़कर मैं वचन पे विश्वास करता हूँ तो मेरी सोच में चाहे मैंने पाप किया और मैं पापी हूँ लेकिन परमेश्वर पर अगर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी ये सही है तो तो चाहे ऐसा लगता है कि युवा आकाश के भी खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा हन से, हन से मन, लेकिन परमेश्वर कहता है कि कल इस समय सावर मैदा और दो साल जो भी एक शक्ल में बिकेगा तो बिकेगा तो आज तक चाय मैंने अपने सोच में विश्वास किया लेकिन मैं एक पॉइंट पे परमेश्वर के वचन में विश्वास करने लगा तो चाय मेरी सोच जो भी बोलती तो परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कह रहा था मैं धर्मी हूँ तो मुझे चाहे जैसा भी लगे अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे पाप धुल गए इसका तो मतलब धुल गए मैं कैसा भी हूँ परमेश्वर अगर मुझे पवित्र कहता है तो मैं पवित्र हूँ इस प्रकार से विश्वास करना परमेश्वर विश्वास करना है तो जो लोग अपनी सोच विश्वास करते हैं तो वह खुद पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर वचन में क्या कहता है? तुम तो अपनी आँखों से देखोगे लेकिन उसमें खाने ना पाओगे परमेश्वर ने सरदार से ऐसा कहा तो मैंने क्योंकि पाप किया तो मैंने चोरी भी की झूठ भी बहुत बोला तो इसलिए मुझे लगता था कि मैं जरूर पापी हूँ मैंने लेकिन जब मैंने बाइबल को देखा तो बाइबल ऐसा नहीं बता रही थी परमेश्वर दूसरी बात बोल रहा था कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए तो क्या मुझे क्या करना चाहिए अपने सोच विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के वचन में विश्वास करना चाहिए जो... तो क्या मैं जोसफ पार्क पास विश्वास करूंगा या परमेश्वर विश्वास करूंगा तो जोसफ पार्क से बढ़कर मैं परमेश्वर विश्वास करूंगा हाँ चाहिए तो मैं क्यूँ खुद पे विश्वास करूं? मेरे अंदर क्या काबिलियत है कि मैं खुद पे विश्वास करूं? मुझे परमेश्वर विश्वास करना है इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर विश्वास करूंगा हमारे पाप क्या सही है मैंने बहुत बुराई की है तो चोरी की है झूठ बोला है औरुपता, औरुपता। लेकिन परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ तो इस प्रकार से विश्वास करना परिश्वास करना है में में भी को। अगर हम अपनी सोच से जब मेल खाए तभी वचन में विश्वास करते हैं तो वो वचन पे विश्वास करना नहीं है वो खुद पे विश्वास करना है तो मेरी नजरों में जैसा भी मुझे लगे परमेश्वर का वचन अगर कुछ कहता है तो हमें उस विश्वास करना है वो परमेश करना है तो मैंने उन्नीस में मैंने राशा में जीरा था तो जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल के अंदर मैंने आविष्कार किया कि मेरे पाप सब परमेश्वर के द्वारा धो दिए गए हैं तो अगर बाइबल कहती थे कि मेरे पाप धुल गए हैं तो फिर वो धुल गए हैं तो उसे पहले मैं रोज प्रार्थना करता था कि मेरे पाप क्षमा कर दो लेकिन उस दिन से मैंने ऐसा नहीं किया क्यूं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सेंध में धर्मी ठहराए जाते हैं मैं धर्मी हूँ मैंने इस वचन पर विश्वास किया था 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 के तो तब से परमेश्वर ने अद्भुत रूप से मेरे जीवन को बदलना शुरू किया मैं महसूस कर सका कि हर काम में परमेश्वर मेरे साथ है तो जब मैंने उसके वचन पर विश्वास किया परमेश्वर ने अद्भुत रूप से मेरे काम किया तो परमेश्वर ने किस प्रकार काम किया यहाँ जो चार कोड़ी थे खास में तो ये को आराम की छावनी की ओर गए कि वहाँ से कुछ खाना इनको मिल जाए लेकिन परमेश्वर ने चार कोड़ियों के द्वारा काम किया में में तो चाहे वो गिरते लटकते जा रहे थे लेकिन उस आवाज को परमेश्वर ने घोड़ों और रथों की आवाज में बदल दिया ने ने तो रथों की आवाज घोड़ों की आवाज सेना की आवाज ऊंची ऊंची मतलब चीखने की आवाज आराम के मक, तो आरम के जो सैनिक थे वो लोग खाना वाना तैयार कर रहे थे कि अभी खाना उठ बक, तो के खाएंगे जोर से आवाज आती है उन्होंने तो देखा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मतलब रथों की आवाज आ रही है घोड़ों की आवाज आ रही है मतलब ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं जैसे कि घोड़े दौड़ रहे हैं हैं ऐसी आवाजें आ रही तो वो हैरान रह गए ये क्या है है ये क्या है? क्या, है? क्या आवाज है तो एक होशियार लड़के ने क्या बोला ये पक्का से इसराइल के राजा ने दूसरे राजाओं को वेतन पर बुलवाया है और हम पर चढ़ाई किए भागो भागो अपने घोड़े गधे सब कुछ छोड़कर वो पैदल भाग गए सब भाग गए एक भी नहीं बचा तो चार कोड़ी जब वहां पहुंचे हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं हमें मत मारिए लेकिन कोई आवाज नहीं कोई नहीं एक तंबू में गए वहाँ कोई नहीं था और मतलब गैस पे खाना पकड़ा था हम सपना देख रहे हैं या ये सच है और ये सपना नहीं है तो कितना अद्भुत था चलो पहले खाते हैं। बाद में मर भी जाएं, अभी खाते हैं। खाना खा के मर जाएंगे तो उन्होंने खाना शुरू किया कोई नहीं था तो फिर से खाया तो फिर सोना चांदी निकाला उसे छिपाया परमेश्वर का वचन पूरा हुआ तब तो परमेश्वर ने एक और काम किया अरे ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है ये आनंद के समाचार का दिन है परंतु हम किसी को नहीं बताते तो हम पौ फटने तक ठहर रहे तो हमको दंड मिलेगा इसलिए अब आओ हम राजा के घर आने के बाद जाकर ये बात बतला दे तो वो राजा के राजभवन के पास जाते हैं सुनो सुनो तो हम आरम की सेना के पास जाकर आए हैं वहाँ पे उनके तम्बू के थे पड़े हैं वहाँ पे बहुत खाना भी है तो तब रात को बहुत लोग उठे और वे आरम की छावनी की ओर गए और वहाँ पे इतना सारा खाना था उन्होंने अपने रथों में खाना भरा अपनी रेडियो में खाना भरा और खाना भर भर के ले आए और फिर अगले दिन सुबह हुई साबर मैदा खरीदिए एक सा, एक शक्ल में रहा है जो भी आके खरीदिए दो सा, एक शक्ल में और ऐसा हो गया और राजा का सरदार तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोगों के पैरों के नीचे रौंदा गया और मर गया तो तुम अपनी आंखों से उन्हें देखोगे लेकिन उनमें से खाने ना पाओगे तो चलिए आज से हम राजा के सरदार के समान ना बने हम ऐसे लोग बने जो वचन पे विश्वास करते हैं है तो हमारे पाप क्षमा हुए हैं नहीं हुए ये जानने के लिए आप अपनी सोच के से विश्वास मत कीजिए वचन को देखिए तो बाइबल हमें बताती है कि हमारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ क्षमा हो गए हैं जो लोग इस सच्चाई पे विश्वास करते हैं चाहे उनकी नजरों में जैसा भी लगे तो परमेश्वर वचन पे विश्वास करना परमेश्वर विश्वास करना है तो उन्नीस में मैंने विश्वास किया कि मेरे पाप धुल गए और तब से अद्भुत रूप से परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं अब पापी नहीं हूँ परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है और परमेश्वर ने कहा है कि उसने मेरे पाप धो दिए हैं परमेश्वर अगर धो दिए हैं तो उसने धो दिए हैं परमेश्वर कहा है कि मैं मेरे पापा को स्वरण नहीं करता तो मेरी सोच में चाहे मैं पापी हूँ लेकिन प्रभु अगर कहता है कि मेरे पाप धुल गए तो वो धुल गए हैं मैं अपनी सोच में पर नहीं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर ने अद्भुत रूप से काम किया तो हम उस परमेश्वर विश्वास करते हैं आप लोग अपनी सोच पर विश्वास मत कीजिए आपको कैसा भी लगे अगर परमेश्वर का वचन कुछ कहता है ईशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो गए हैं जो इस सच्चाई पर विश्वास करता है वह आशीषित व्यक्ति है इन कोड़ियों के समान लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो राजा के सरदार के समान है वो भूखा रहा और उसने इतना सारा खाना देखा लेकिन खा नहीं पाया तो हम लोग चाहे हमारी सोच कैसी भी हो तो अगर हम इस सच्चाई को विश्वास स्वीकार करेंगे कि हमारे पाप धुल गए हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की महान दया और अनुग्रह हम पे आ सकेगी हम प्रार्थना करेंगे पवित्र पिता परमेश्वर हमारे अंदर बहुत पाप था तो चाहे आपने कहा कि हमारे सब पाप धुल गए तो हमारे पाप इतने ज्यादा थे कि हमारे लिए विश्वास करना आसान नहीं था तो चाहे हमारा पाप कितना भी ज्यादा था लेकिन प्रभु अगर आप कहते कि वो धुल गया तो वो धुल गया यीशु मसीह के लहू ने जो उसने क्रूस पे बहाया हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे सारे पापों को उस लहू ने धो दिया हम सब अपनी सोच विश्वास ना करें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और आशीष पा सकें और अनुग्रह प्राप्त कर सकें आपने बाइबल सभा हमें दी आपको धन्यवाद देते हैं हम आपकी महिमा करते हैं ईशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद